सभी जानते हैं कि हमें सुबह की नींद काफी प्यारी होती है, और हमें सुबह की नींद इतनी प्यारी होती है कि जरा सा कोई हलचल कर दे या फिर शोर कर दे तो हमें इरिटेशन होने लगती है। वहीं हम भले ही रात को जल्दी सो जाएं या फिर लेट सोएं, लेकिन जो सुबह की नींद होती है वो काफ़ी सुकूनदायक होती है। और अगर हमें सुबह जल्दी नहीं उठा जाता है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं अलार्म। जी हाँ, अलार्म सेट करना हम शुरू कर देते हैं, जो कि हमें एक लिमिटेड टाइम के अकॉर्डिंग रिंग करके हमें उठा देता है। आपने नोटिस किया होगा कि भले ही अलार्म में अपनी फेवरेट ट्यून लगा लें, लेकिन ये आपको इरिटेट कर ही देती है। वहीं वैज्ञानिकों की माने तो वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि आखिरकार जब हम अलार्म का साउंड सुनते हैं तो हमारे दिमाग पर इसका क्या असर होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अलार्म का हमारे दिमाग पर क्या असर पड़ सकता है? वहीं वैज्ञानिकों ने इसे रिसर्च करके बता दिया है। आपको बता दें कि उनकी इस रिसर्च से स्किज़ोफ्रेनिया जैसे मनोरोगों का पता लगाने में भी सहायता मिलेगी। इस तरह से बीमारियों में मरीज कुछ आवाजों के लिए अजीब सा रिस्पॉन्स देते हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि एक रिसर्च के अनुसार कि अलार्म जैसे कार हॉर्न या फिर किसी के चिल्लाने की आवाज रिपीटिव साउंड फ्लेक्सुएंस से बने होते हैं, और जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है 40 से 80 हर्ट्ज़ तक। ये साउंड कुछ लोगों को क्यों नहीं पसंद आते हैं, इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों का रिएक्शन ने नोट दिया है। उन्होंने पता लगाने की कोशिश की है कि किस हद तक ये आवाजें लोगों तक पसंद नहीं आती हैं। दरअसल इन आवाजों से उत्तेजित हुए दिमाग के हिस्सों का अध्ययन किया गया है। उन्होंने हिस्सा लेने वाले लोगों से पूछा कि कब उन्हें साउंड अच्छा लग रहा है और कब बुरा, और इसके लिए उन्होंने अलग अलग फ्रीक्वेंसीज का साउंड बनाया। हिस्सा लेने वालों के जवाब के आधार पर पता लगा कि बुरे लगने वाले साउंड की अपर लिमिट 130 हर्ट्ज़ होती है, और इसके ऊपर सुना जाने वाला साउंड सिर्फ एक लगातार चलने वाली आवाज की तरह सुनाई देता है। वहीं आपको बता दें कि 40 से 80 हर्ट्ज़ तक का साउंड लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है। ये फ्रीक्वेंसी अलार्म इंसानों और बच्चों के चिल्लाने की होती है, और जो कि हमें कर देती है इरिटेट। और साथ ही आपको बता दें कि अलार्म में रिपीटिव फ्रीक्वेंसीज भी होती हैं, जो कि दर्शाती हैं कि अटेंशन की जरूरत है। जी हाँ, वैज्ञानिकों का कहना है कि 40 से 80 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में दिमाग का वो हिस्सा एक्टिवेट नहीं होता जो सामान्य आवाज में होता है, बल्कि ज्यादा एडवांस्ड हिस्सा एक्टिवेट होता है। और ये बात इंटरेस्टिंग है कि अलार्म में काफी पहले से ये फ्रीक्वेंसीज इस्तेमाल होती आ रही हैं। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि जरूर कुछ होता है और कई बीमारियों जैसे अल्जाइमर, ऑटिज्म, स्किज़ोफ्रेनिया में दिमाग 40 हर्ट्ज़ पर अजीब सा रिस्पॉन्स देता है। तो दर्शकों, देखा आपने कि कैसे अलार्म फ्रीक्वेंसी से हमारे दिमाग पर असर पड़ता है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, अगली बार हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्यूरेन हेल्थ टेक से प्रांशिक रिपोर्ट।